बदकिस्मत बादशाह, खूबसूरत मकबरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये शानदार खूबसूरत मकबरा, ये मकबरा है हुमायूं का। एक ऐसा शासक जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में संघर्ष करते हुए गुजारी, पूरी ज़िंदगी संघर्ष करते हुए गुजारी। 1530 में राजगद्दी संभाली और 1530 के बाद करीब 10 साल तक शासन करने के बाद शेरशाह सूरी द्वारा अपने ही राज सिंहासन से उठाकर बाहर, देश से बाहर खदेड़ दिया गया। उसके बाद करीब 15 साल की भागदौड़ के बाद वो शासक वापस यहाँ आया और वापस आके करीब एक साल यहाँ दोबारा राज कर पाया और राज करने के बाद लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बादशाह हुमायूं की। तो चलिए करते हैं एक्सप्लोर आज बादशाह हुमायूं के मकबरे को। कहा जाता है कि बादशाह हुमायूं के जो मकबरा है इसमें बादशाह के परिवार के करीब 150 लोगों की कब्र यहाँ पे दफन है और उन्हीं को मैं आज देखने के लिए आया हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो चलिए कैसा है देखते हैं। ये मैं हूँ, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का बेटा और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का वालिद। इतिहास के पन्नों के ढेर में बाबर और अकबर के बीच मैं वो पन्ना हूँ जिसे लोग तेज़ी से पलट कर आगे बढ़ जाते हैं। मैं कोई महान सेनापति नहीं रहा, बगावतों से जूझता रहा, मगर दिल कविताओं और कहानियों में। ईरान से लौटकर मुगलों की हुकूमत को समेटने की कोशिश की, लेकिन 1556 में एक लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर मेरी मौत हो गई। यह मेरा ही मकबरा आप देख रहे हैं। अलग अलग मुल्कों, मजहबों और जुबानों के लोग इसके जर्रे जर्रे की तस्वीरें खींच रहे हैं, शायद हुमायूं को ढूंढ रहे हैं। इन जालियों से छनकर आती रोशनी कुछ और नहीं, मेरी ही तबीयत है। 1556 में माना जाता है कि आपका जो अकबर था उसने एट द एज ऑफ 11 सारा राजपाट संभाला था एंड वो बैरम खान था। बैरम खान एक जनरल था, तो उसके साथ में उसके अंडर था। तो एक आपने शो देखा होगा आपका, ये कहा जाता है अकबर वाला जो था, ठीक है, तो उसमें एक महामंगा करके पर्टिकुलर लेडी थी जो नर्स के आया थी इनकी। तो उस टाइम पे ये था जो इनकी आया थी ना, तो उन्होंने इन्हें पाला विद द हेल्प ऑफ बैरम खान। तो बीच में थोड़ी राइवलरीज हुई, बैरम खान को हटा दिया गया, उसके बेटे ने थोड़ा सा इनके साथ गलियां करी, लेकिन फिर भी वो राजपाट था। हाँ, मुगल सल्तनत आदम खान था, आदम खान नाम। तो उसके बाद आपको समझ आई जब चीज़ें नॉर्मलाइज हुई तो अकबर ने उन्हें भी हटा दिया एंड उसके बाद तो आप आगे की स्टोरी जानती हैं, यूनिवर्सल पीस टू रेपल। तो वो चीज़ भाई, ये आप कहाँ से? फ्रॉम लखनऊ। ओके, तो आपका नाम? मृत्युंजय। मृत्युंजय भाई, इंडियन हिस्ट्री के बारे में मृत्युंजय बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं सोचता था कि मेरे को भी मतलब थोड़ा बहुत पता है, बट मेरे से भी आगे आगे बहुत सारे हैं जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। मतलब बहुत अच्छी बात है इंडियन हिस्ट्री में इंटरेस्ट होना। आजकल के लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बट बहुत अच्छा लगा मृत्युंजय से मिलकर। नाइस मीटिंग यू टू। थैंक यू। और दूसरे भाई? श्रीराम। अरे भाई, मकबरे में मिले श्रीराम भाई, अलग ही है। चलिए तो भाई, बहुत अच्छा लगा भाइयों से मिलके। भाई लखनऊ से आए हैं, स्पेशली इस मकबरे को देखने के लिए यहाँ पे आए हुए थे और कुछ बातें उन्होंने हमसे पूछी और कुछ बातें उन्होंने हमें बताई जो हमें पता नहीं था और जो हम जानना चाहते थे। तो कुल मिला के मिली जुली सरकार रही। और दिखाता हूँ आगे यहाँ पे और कौन कौन सी हैं, क्या क्या कहते हैं कि शाहजहाँ का जो बेटा था उसकी भी कब्र यहीं पर है। और इसमें पूरे एरिया में, पूरे मकबरे में करीब 150 कब्रें हैं जो पूरे की पूरी मुग़ल जो एम्पायर था ये उनके परिवार की, उनकी फैमिली की हैं। Yeah.
इस मकबरे का जो बनाने का टाइम था, जब बादशाह की डेथ हुई, बादशाह की जब मृत्यु हुई, उसी के बाद से 1556 के बाद से ही इस मकबरे को बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया था, और करीब 9 साल लगे इस मकबरे को पूरा होने में। और उसके बाद जो पूरी कंप्लीट कराया, वो बादशाह के बेटे अकबर ने इसको पूरा कंप्लीट कराया 1572 में। और ये जो आपको ये दिख रही है नीचे वाले, उस पर एक उबड़ खाबड़, जो आर्किटेक्ट था जिसने ये बनाया था, उसका ये मानना था कि नीचे वाला जो फर्श था उसे सपाट ना बना के उसने उबड़ खाबड़ बनाया था, ताकि जो इसमें आए या जो इसमें घूमे वो ऊपर वाले जो मकबरा वाला एरिया है उसमें घूमे, ना कि नीचे, कुछ ऐसी कहा जाता है यहाँ पे। तो भाई, जब मुग़ल आए थे यहाँ पे, उन्होंने जब हिंदुस्तान में आके अपना मुग़ल एम्पायर बनाया, मतलब मुग़ल अपनी बादशाहत कायम की, तो चाहते थे कि हम बहुत खूबसूरत बनाएं और बहुत खूबसूरत इसे दिखाएं हिंदुस्तान को। वो इसे ऐसी ऐसी इमारतें बना के वो ये दिखाना चाहते थे कि हम बाहर से नहीं आए, हम इसे लूटने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पे रहने के लिए आए। तो कुछ लोगों की अलग मानसिकता और कुछ लोगों की अलग, हर एक के अपने अपने थॉट्स हैं, अपने अपने व्यूज़ हैं इस जगह को लेकर। तो कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 150 कब्रें तो ऊपर करीब इसमें 40-45 तो ऊपर ही ऊपर हैं, और इन सारे जो ये कमरे बने हुए हैं इनमें भी कुछ ऐसा ही है, पूरी हिस्ट्री। तो आगे दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे हर जगह चारों कोनों पे, चारों तरफ, एक यमुना वाली साइड को छोड़ के चारों तरफ ऐसे द्वार, ऐसे गेट्स बने हुए हैं, तीन तरफ ऐसे गेट्स बने हुए हैं, एक तरफ से वो जहाँ से हम एंट्री करके आए हैं, और एक तरफ ये, और एक जैसे इसके ऑपोजिट साइड, यानी इस मकबरे के उस साइड में। और ये जो आप ऊपर इसके एक गोल्ड की वो देख रहे हैं ना, वो आपको दिखने में तो बहुत छोटी सी दिख रही है, बट ये इसका साइज़ इतना बड़ा है ये, कि करीब 2 मंजिल का है वो। अब वो कहते हैं क्या उसका, वो मेरे को नाम नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। एक चीज़ और ख़ास है इस मकबरे के बारे में, ताजमहल भी जो बना था वो इस मकबरे को देख के बनाया गया था, मतलब इस मकबरे के बाद बनाया ताजमहल भी। और ये जो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है, ये सारा बाग बगीचे इसमें बनाए गए हैं, ये चार बाग शैली कहलाती है, तो उसी के आधार पर ये बनाया गया, और इसी को देखा देखी में फिर ताजमहल बनाया गया था यहाँ से। तो भाई, ये था हुमायूं का मकबरा, तो कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा हमने आपको बताया दिखाया। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी, मतलब मेरे पास थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। सो फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन एक और नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। टिल देन ध्यान रखिए अपना, एंड प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।